हेलो एवरीवन, आज मैंने आम की चटनी बनाई है जो कि मैंने अपने नानी और मम्मी के तरीके से बनाई हुई है, जो वो मुझे बनाकर खिलाया करती थी और खाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। तो आज मैं बिल्कुल उसी तरीके से बना रही हूँ। तो मैंने आम, एक हरी मिर्ची और दो साबुत लाल मिर्ची ली है, तीन चार लहसुन की कलियाँ, पुदीना, और इसमें हम हरी धनिया लेंगे जिसकी डंडी हमें रिमूव नहीं करनी है, एक छोटी चम्मच जीरा, साबुत जीरा लेना है हमें। अब हम इसे सील बट्टे पे बनाएंगे, सील बट्टे पे ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसमें हम थोड़ा सा जीरे में पानी ऐड करेंगे और इसे महीन पीस लेंगे। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करनी है, नहीं तो चटनी अच्छी नहीं बनेगी। अब हम आम को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे और हमें इसमें पानी ऐड नहीं करनी है और इसे भारी हाथों से महीन पीस लेंगे। इसे हमें दबा दबा के पीसना है, नहीं तो ये पीस नहीं पाएगी, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। अब हम बट्टे की सहायता से आम को थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे, क्योंकि आम हम डायरेक्ट नहीं पीस पाएंगे। थोड़ी सी कूट जाने के बाद इसे हमें दरदरा ही पीसना है, दरदरा पीसने पर ये बहुत ही यम्मी लगती है। इसे महीन मत पीसिएगा, नहीं तो चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। अब हम इसे उठा लेंगे पीसने के बाद, स्वाद अनुसार नमक मिला लेंगे और इसे चावल दाल या फिर पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।